गुड इवनिंग नमस्ते रंजन जी निशा जी ताज नायक जी डेडिकेटेड लोग रात के दस बजे भी ज्वाइन कर रहे हैं <laughs> कविता जी गुड इवनिंग आवाज़ क्लियर है स्क्रीन क्लियर है रात सवा दस बजे भी ज्वाइन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया यार डेडिकेशन चाहिए संदेशा जी निशा जी वाह क्या बात है साउंड क्लियर है मेरा स्क्रीन क्लियर है ओके है ओके okay. चलो अच्छी बात है चलो हम लोग करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट uh, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इधर उधर सब मैं इकट्ठा किया हूँ और उस पर बात करेंगे तो चालू करते हैं गुड इवनिंग नितेश जी ओके okay है ओके okay, ठीक है चलो चालू करो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है जो लोग आ गए हैं उन लोग के लिए टाइम वेस्ट करें अपन है ना जो नहीं आए उनके लिए टाइम वेस्ट करना है ठीक है ना ओके प्ले नाइस win ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है इंदिरा नुई माइकल डेल कुक और जेफरी मल्ट पहले तो ये पता होना चाहिए इंद्रानुई टिमकुक ये सब किस कंपनी से जुड़े हुए हैं माइकल डेल किससे जुड़ा हुआ है मैं मिक्स डाला हूँ आज बिजनेस क्विज भी रहेगा करंट अफेयर्स भी रहेगा सब रहेगा ठीक है फटाफट करेंगे बट विन, ओके अपन आज चार चार ऑप्शन वाले कर रहे हैं तो इसमें आपको चार ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस कंपनी से जुड़े हुए हैं ठीक है ओके इंदिरा नोई पेप्सी बिल्कुल सही वो तो जुड़ी हुई है ठीक है ये लीजिए मैं और बड़ा कर दिया हूँ जिसको नहीं दिख रहा बोल रहे थे दिखता नहीं अभी दिख रहा है सब क्लियर है ओके तो इसका आंसर है माइकल डेल माइकल डेल जो है डेल कंपनी के हैं फाउंडर इंदिरा नोई पेप्सी से जुड़े हुई टीम कुक किससे जुड़े हुए थे जुड़े हैं एप्पल से ठीक है और जो चौथे व्यक्ति हैं वो भी पता होना चाहिए आपको जेफरी इमेल्ट जनरल इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए थे ठीक है जेफरी इमेल्टे जनरल इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए हैं तो इसका आंसर आएगा डेल ओके डेल टेल के कविता जी का सही है ठीक है ओके चलो आगे बढ़ू विश टेक्नोलॉजी रन एंड एड कैंपेन लाइफ विदाउट वॉल्स लाइफ विदाउट वॉल्स करके एक एडवर्टीजमेंट चलाया था किस कंपनी ने आपके पास ऑप्शन है सैमसंग एप्पल एल जी माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाया था लाइफ विदाउट वॉल्स लाइफ विदाउट वॉल्स हेलो आशियाना जी देखिए इसके आप एडवर्टीजमेंट पे जाएंगे लाइफ विदाउट वॉल्स दीवाल के बिना यानी माइक्रोसॉफ्ट किससे जुड़ा हुआ है आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से जुड़ा हुआ है खिड़कियों से तो लाइफ विदाउट वॉल्स यानी खिड़कियां तो इसका आंसर आएगा डी माइक्रोसॉफ्ट ओके थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ता है इसका आंसर आएगा डी माइक्रोसॉफ्ट ओके जी कविता जी का सही है डी लगता है बिल्कुल सही तो इसका आंसर है डी माइक्रोसॉफ्ट ओके चलो आगे बढ़ो फटाक से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ना उन्नीस सौ अस्सी में हिरोशी ओएडा नाम के एक इंजीनियर था वो पेरिस गया हुआ था ठीक है वो किसी को अपनी फोटो खींचने के अपना कैमरा देता है पेरिस में एक म्यूजियम है लोअर म्यूजियम जहां पर आपको पता है मोनालिसा की पेंटिंग रखी हुई तो वो आदमी उसका कैमरा लेके भाग जाता है ठीक है उसके बाद हिरोशी ओएडा ने किस चीज की खोज की अच्छा क्वेश्चन है लंबा चौड़ा है ये हिरोशी ओएडा ने क्या चीज की खोज की जब उसका कैमरा लेके कोई आदमी भाग गया जब उसने फोटो खींचने को बोला तो इसमें देखिए मैं तीन चार चीजें बता रहा हूँ एक तो कहानी आपको पता चल गई वो पेरिस गया था लॉवर म्यूजियम लॉवर म्यूजियम में मोनालिसा की पेंटिंग है लियोनार्डो लियोनाडोडा विंची की है ना तो ये आपको मैं चार फैक्ट बता दिए इससे जुड़ा हुआ ठीक है तो उसने क्या चीज का क्रिएशन किया क्या चीज उसने इन्वेंट किया ओके इजी क्वेश्चन है कॉमन सेंस से बन जाएगा आंसर नमस्कार विनय जी गुड वाइफ्स गुड वाइब्स वेरी गुड ये हम लोग के कॉमन डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है हिंट दे देता हूँ पार्टी पार्टी से जुड़ा हुआ पार्टी पार्टी में क्या करते हैं ज्यादातर फटाक से आंसर देंगे इजी क्वेश्चन है पार्टी में लोग ज्यादातर क्या करते हैं जाते हैं तो आजकल फोटो बिल्कुल सही फोटो तो है बस अब इसमें आंसर आपको फोटो से मिल जाएगा क्या चीज की उन्होंने खोज की है सेल्फी स्टिक बिल्कुल सही बिल्कुल सही इसका आंसर आएगा सेल्फी स्टिक सेल्फीज देते हैं बिल्कुल सही इसका आंसर आएगा सेल्फी स्टिक तो आप लोग सब सेल्फी सेल्फी सुने ना उसकी कहानी सेल्फी स्टिक की यही थी ठीक है तो मैं कहानी भी डाल दी हूँ समझ गए ना अब पढ़ाई करना तो पता होना चाहिए कि कहाँ गया था क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हिरोशी वेडा ने सेल्फी स्टिक की खोज की तब तो वो कहाँ गया था कहाँ घूमने गया, गया था तो इसका आंसर आएगा ऐसा कठिन करना ऐसे होता है कठिन और पता नहीं है तो बस यही है कि हीरो शिओडा ने सेल्फ स्टिक खोज दिया बस याद है ये लेकिन कहाँ गया था क्यों क्या हुआ तो समझ रहे हैं कहानी इसकी एक आदमी से कैमरा लेके भाग गया तब उसको लगा कि मुझे कुछ ऐसा खोजना चाहिए जिसकी वजह से क्या हो कि हम खुद से अपनी फोटो ले सके ठीक है ओके चलो ठीक ओके आगे बढ़ते हैं सेफ जोन सेफ जोन नाम का एक ब्राउजर बनाया है, किस कंपनी ने सेफ जोन नाम का एक क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से सेफ जोन ये एकदम बड़ा जूम कर दिया सेफ जोन इज ए इसको किस कंपनी ने बनाया कौन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया आपके ऑप्शन है एडोब कैसप्रेस अवास्ट के सेवन सेफ जोन चाहे तो गूगल भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है गूगल भी करो सीखना है कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कोई नियम नहीं कि बिना गूगल क्योंकि क्वेश्चन भी तो हम गूगल से ही लाते हैं ना सेफ जोन नाम का एक वेब ब्राउजर बनाया है वेब ब्राउजर समझ रहे हैं आप लोग वेब ब्राउजर मतलब होता है ऐसे गूगल क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोर मोजिला फायरफॉक्स ये सब वेब ब्राउजर है जिसमें हम इंटरनेट सर्फिंग करते हैं ओके okay. आ रहा है आंसर एक दो और आंसर वेट करते हैं फिर फटाक से अगले क्वेश्चन में जाएंगे ओके okay. आवाज आ रहा है ठीक है इसका आंसर अवास्ट है बिल्कुल सही नमन दास जी का आंसर सही है अवास्ट अवास्ट रंजन जी ने भी अवास्ट बोला है ओके ठीक अवास्ट ओके चलो आगे बढ़ते हैं अवास्ट है इसका आंसर ये, ये किस कंपनी के सीईओ हैं वर्तमान में फोटो देख लो अभी ऑप्शन भी दिखाऊंगा देख ली अभी ऑप्शंस भी देख लें फिर वापस फोटो पे लॉजिटेक डेल डेल इज द प्रेजेंट ऑफ कंपनी लॉजिटेक पहले मैं बिना ऑप्शंस के कराता था के कर आता हूं, फिर के कराता फिर बिना ऑप्शन के कराऊंगा जैसे भी कराऊंगा आप लोग लिखते रहो याद करते रहो देख लो फोटो ये देख लो फिर से किसके सीईओ हैं वर्तमान में आजकल बहुत सीईओ का ट्रेंड चल रहा है ना आप लोग इंडियन कंपनीज के सीईओ महिला सीईओ मेल सीईओ सब याद रखना आप लोग ठीक है वो अच्छा रहेगा नहीं तो आप लोग को दिक्कत हो सकती है आगे की सीजन की तैयारी कर रहे हैं तो सीरियसली ज्वाइन करो लाइव यूट्यूब जैसे पहले करते थे अभी तो कम मेंबर्स हैं हो सकता रात हो गया इसलिए लेकिन इंटरेस्ट से करो ठीक है नमन दास जी का आंसर सही है ये ब्रैकन पी डी पैरल ये नाम है लॉजिटेक कंपनी लॉजिटेक आंसर है ए आ, रंजन जी का भी सही है ए ओके ठीक हो सकता है कई लोग को थोड़ा कठिन लग रहा हो बट कोई प्रॉब्लम नहीं है सीखना है समझना है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये चारों मीडिया से जुड़े हुए हैं ये चारों कुछ चारों समझ लीजिए भाई हैं समझ लीजिए भाई हैं दोस्त हैं क्या है कौन है ये हाँ नीलम जी हाँ हेलो आर्या साहू का एक आंसर आया है वार्नर ब्रदर्स बहुत बढ़िया है। देखते हैं बाकी लोग का भी आंसर जी बिल्कुल सही आया वार्नर ब्रदर्स ये है वार्नर ब्रदर्स आर्य साहू का परफेक्ट आंसर वार्नर ब्रदर्स है मीडिया से जुड़े मैंने बताया था ना वार्नर ब्रदर्स की शुरुआत की थी उन्होंने ठीक है चार भाई है, हैरी एल्बर्ट सैम जैक ओके ठीक ओके चलो आगे बढ़ू ओ, थोड़ी सी धुंधली में आ, कौन है हस्बैंड वाइफ करंट अफेयर से ही कनेक्टेड है इजी है क्रिकेटर वार्नर है क्या नहीं वार्नर क्रिकेटर नहीं थे वो वार्नर ब्रदर्स करके मीडिया ग्रुप है ना वार्नर ब्रदर्स वो था वार्नर ब्रदर्स के अंदर ही हैरी पॉटर फिल्म सीरीज आई थी ना वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स उसी के अंदर हैरी पॉटर फिल्म सीरीज का प्रोडक्शन हुआ था हैरी अल्बर्ट सैम और जैक चार भाई थे विपिन रावत उनकी वाइफ जी बिल्कुल सही सबका सही सबका सही विपिन रावत आर्य साहू आशियाना जी बिल्कुल सही सबका सही सबका सही जी परफेक्ट आंसर ठीक है करंट अफेयर्स भी हो गया पुराना भी हो गया ओके ठीक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस असिस्टेंट का एक कैरेक्टर नाम है जिसका नाम है विल वो विल किसके नाम पर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस असिस्टेंट का एक कैरेक्टर है जिसका नाम है विल वो किसके नाम पर है किसके नाम पर है कौन पोएट के नाम पर विलियम वर्ड्सवर्थ विलियम शेक्सपियर रॉबर्ट फ्रोस्ट और विलियम रॉबिन्स विल नाम का एक माइक्रोसॉफ्ट असिस्टेंट है इजी क्वेश्चन है ये वापस क्वेश्चन पे जाता हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस असिस्टेंट का कैरेक्टर नाम है विल किसके नाम पर है किस पोएट के नाम पर वैष्णवी अमिता शर्मा ओ वैष्णवी जी भी जुड़ी हुई हैं बता देता हूँ वैष्णवी जो केबीसी चाइल्ड केबीसी बच्चों वाले में गई थी तो अच्छा मोहन जीत के आई हैं वैष्णवी जी का भी वेलकम वैष्णवी अमिता शर्मा जी जी सही आंसर दिया उन्होंने विपिन रावत ओके हाँ इसका आंसर है विलियम शेक्सपियर रमन मिश्रा जी का सही है विलियम शेक्सपियर ओके निशा ठाकुर जी का भी सही है विलियम शेक्सपियर ओके आगे बढ़ा चलो अब थोड़ा बहुत हम लोग भी बात करते हैं ना थ्री वर्चुअल रियलिटी ये सब और आई मैक्स ये सब तो कौन सा चीज का डेवलप किया था कनाडा में डेवलप हुआ था ये ग्रेम फर्ग्यूसन रोमन क्रॉयटर, रॉबर्ट कर और विलियम शी शॉ विलियम शॉ द्वारा उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी मोशन पिक्चर फिल्म की डेवलप की थी कौन सी टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की थी कौन सा स्टैंडर्ड डेवलप किया था ये चार लोगों ने मिलकर अब वो चार लोगों में ऑप्शन है ये ऑगमेंटेड रियलिटी ए आर वर्चुअल रियलिटी बी आर थ्री डी या आई मैक्स उन चारों ने मिलकर इसमें से किसकी खोज की थी क्या नया निकाला था ठीक है ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी थ्री और आई नाम मैं फिर से दिखा दे रहा हूं ये ग्रैम फर्ग्यूसन रोमन क्रॉइटर ठीक है ये है ऑप्शन आपके ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी थ्री डी और आईमैक्स तो इसका आंसर आएगा आई मैक्स आईमैक्स का मतलब होता है इमेज मैक्सिमम आईमैक्स नमन जी का भी नितेश जी का भी सबका सही है ऑलमोस्ट सभी का सही है आई मैक्स आई मैक्स आई मैक्स ओके आई मैक्स टेक्नोलॉजी का आपको ये सब भी पता होना चाहिए कि ना कौन क्या किस टेक्नोलॉजी को आई मैक्स का फुल फॉर्म होता है इमेज मैक्सिमम ठीक है इमेज मैक्सिमम ठीक लिख सबसे शेयर कर दीजिएगा ये क्या पता कौन कल आपको कोई आपका लाइफलाइन बन जाए और आप छुपा के रखे हो नॉलेज और पता चला आप ही को दिक्कत हो रही इसीलिए बोलता हूं शेयर कर दो शेयर करोगे तो रिवीजन भी होगा तो इसका आंसर आएगा आई मैक्स ओके चलो किसने स्पोर्ट कॉन्वो नाम का एक सोशल मीडिया हब बनाया है मतलब उसमें इन्वेस्ट किया बनाया नहीं सॉरी एक लंदन बेस्ड स्टार्टअप है स्पोर्ट कॉन्वो उसमें वो एक सोशल मीडिया हब है उसमें इन्वेस्टमेंट किसने किया है स्पोर्ट कॉन्वो का क्या काम है स्पोर्ट से रिलेटेड न्यूज शेयर करना उसकी ऑनलाइन चीजों शेयर करना किस इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ने लंदन बेस्ड स्टार्टअप स्पोर्ट कॉन्वो में इन्वेस्ट किया है ऑप्शन है ये सुनील छेत्री विराट कोहली सचिन तेंदुलकर मिल्का सिंह किसने उसमें इन्वेस्ट किया है ये अभी रिसेंट करेंट अफेयर्स का भी है तो इसका आंसर है विराट कोहली बिल्कुल सही सभी का सही है विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली आशियाना जी आर्या साहू निशा जी सबका सही ओके स्पोर्ट कौन वो में विराट कोहली ठीक है चलो आगे बढ़ू वुडमैन लैब्स के नाम से एक कंपनी पहले इसका नाम था वुडमैन लैब्स ठीक है इन्होंने एक ड्रोन भी बनाया जिसका नाम है कर्मा जो 2016 में एक ड्रोन बनाया था क्वाड क्वाड क्वाडकॉप्टर मतलब चार पंख वाला ड्रोन कौन सी कंपनी की बात करें पहले नाम था कर्मा नाम का एक ड्रोन बनाया था तो देखिए नाम हिंदू इससे जुड़ा हुआ है ना तो कर्मा ये क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है किसने बनाया है कर्मा नाम की एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है मतलब ऑटोमोबाइल वाली फिशर नाम की कंपनी है वो कर्मा नाम के एक गाड़ियां बनाती है ठीक है खैर वुडमैन लैब्स नाम की कौन सी कंपनी थी कंपनी है पहले उसका नाम वुडमैन लैब्स था अभी कुछ और है ऑप्शन इन चारों में से किसी का नाम पहले वुडमैन लैब्स था जिसने कर्मा नाम का एक ड्रोन बनाया था 2016 में ठीक फटाक से आंसर दीजिए आप लोग जुड़े इतने रात को बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी तैयारी चल रही है ठीक है सही आंसर गोप्रो बिल्कुल सही सभी का आंसर सही है नमन जी आर्या सबका सही सूर्यकांत जी गोप्रो ताज जी सबका सही है ठीक है मैं सर नाम नहीं ले रहा हूं इसका मतलब नहीं कि नहीं सही सबका सही गोप्रो गोप्रो तो ये गोप्रो का कहानी ये भी था कि मैं कर्मा नाम का क्वाडकॉप्टर ड्रोन बनाया यहाँ पर फोकस करिएगा ना ठीक है ठीक एक क्वेश्चन में पांच क्वेश्चन हमारे कवर हो जा रहे हैं ऐसा पढ़ रहे हैं अपन ठीक कौन सी कंपनी जो रीड हेस्टिंग्स आपको ये पता होगा रीड हेस्टिंग्स ने कौन सी कंपनी बनाए तो ये आंसर बता दोगे उसने फास्ट डॉट कॉम का एक टूल बनाया है जिससे वो कस्टमर्स की स्पीड एनालाइज कर सके उनका जो डाउनलोड स्पीड है कितना रहता है फास्ट डॉट कॉम करके एक बनाया उन्होंने एक टूल रीड हेस्टिंग्स की कंपनी रीड हेस्टिंग्स कौन है किस कंपनी से जुड़े हैं वो आपको पता है तो आपको आंसर मालूम हो जाएगा बिना ऑप्शन के हॉटस्टार एमेजोन वीडियो नेटफ्लिक्स और वोट आप लोगों को ये पता होना चाहिए हॉटस्टार किसका है अमेजोन वीडियो किसका है नेटफ्लिक्स किसका है वुड किसका है तो कहानी खत्म फिर आराम से बन जाएगा इजी है ये नेटफ्लिक्स बिल्कुल सही सबका आंसर सही है बिल्कुल सही है जी मैं टाइम अपने हिसाब से निकाल पा रहा हूँ घर में थोड़ा बच्ची को भी देखना रहता है तो उसके हिसाब से जब बच्ची सो गई तो हम ऑनलाइन आ गए जी नेटफ्लिक्स बिल्कुल सही सबका सही परफेक्ट आंसर चलो आगे बढ़ते हैं बेन हेमरली द्वारा एक आर्टिकल ऑडिबल रेवल्यूशन ऑल्सो नेटकास्ट कौन सा टर्म उन्होंने कॉइन किया था बेन हेमर्स बेन हेमर्सली ने किस टर्म को कॉइन किया था या उन्होंने कौन सा नया टर्म निकाला था जैसे जिम ओनिल ने निकाला था ना ब्रिक्स ब्रिक्स तो पता है ना ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका वैसी बेन हेमर्सली ने एक आर्टिकल टाइटल था ऑडिबल रेवोलूशन उसमें किस टर्म के बारे में उन्होंने बात की थी मैकेटोस आईपैड पॉडकास्ट आईपॉड टोस आईपैड पॉडकास्ट आईपॉड नाम में दिखा देता हूं यहां पर बेन ओके आंसर आ रहा है आईपैड फिर पॉडकास्ट ओके आईपॉड भी आ रहा है इसका आंसर है पॉडकास्ट पॉडकास्ट है नमन जी का सही है पॉडकास्ट रमन मिश्रा के भी सही है पॉडकास्ट ओके सो so, इसका आंसर आएगा सी पॉडकास्ट 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 ठीक पॉडकास्टिंग अभी आप बहुत नाम सुन रहे हो ना पॉडकास्ट होता है पॉडकास्ट मतलब वो ऑडियो में बताते हैं कुछ आपको देखने को नहीं मिलता सिर्फ सुनते रहते हैं जैसे मैं अभी ऑडियो बोल रहा हूँ लेकिन स्क्रीन पे कुछ आ रहा है उसमें तो खाली सुनना है रेडियो चल रहा है पॉडकास्ट मतलब रेडियो ठीक मन की बात चल रही कौन सा इंडियन स्टार्टअप है जो ये कैजुअल गेम्स लाया था डेली थीम क्रॉसवर्ड वर्ड जैम वर्ड ट्रिप एक्सेट्रा जो एक गेमिंग कंपनी एम ने खरीद लिया है कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं विंजो स्मार्ट एंटरटेनमेंट एबिलिटी गेम्स प्ले सिंपल किस कंपनी की बात की जा रही है प्ले सिंपल ओके प्ले सिंपल प्ले सिंपल इसका आंसर ठीक है प्ले सिंपल ओके ये आरियाना, -I -I आरियाना नाम के एयरलाइंस किस कम, किस देश की है इजी क्वेश्चन है टेलीग्राम पे भी मैं पूछ चुका हूं हरियाणा ऑप्शंस भी आ गया अर्जेंटीना अजरबैजान अफगानिस्तान आर्मेनिया हरियाणा ए आर आई ए एन ए हरियाणा Easy है। लाइव <laughs> देखते हो सूडो को भी खेल रहे हैं वेरी गुड अच्छी बात है ठीक है इसका आंसर है अफगानिस्तान अफगानिस्तान बिल्कुल सही अफगानिस्तान अफगानिस्तान सबका सही है रहमान जी कविता जी साहु रंजन कुमार सबका सही ठीक है करंट अफेयर से हो गया ना कनेक्शन समझ रहे हैं ना मैं करंट भी बता रहा हूँ हिस्ट्री जो भी है सब मिक्स करके बता रहा हूँ ठीक है चलो और लोगों को जुड़ना चाहिए था मुझे ऐसा लगता है लेकिन बाकी लोग के, के या बिग पिक्चर के लिए सीरियस नहीं लग रहा है हम्म ठीक है ओके इजी क्वेश्चन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गाइडो वैन रोसम द्वारा बनाया गया था जो एक रेप्टाइल स्पीसीज के नाम पर है ठीक है ईजी है टर्टल कोबरा पाइथन लिजर्ड जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उस फील्ड के उनको पता होगा टर्टल, कोबरा पाइथन लिजर्ड ऑप्शन से से था? वैन रोसम। बहुत जल्दी नमन जी का सही है पाइथन निशा जी का और रंजन जी का भी सही पाइथन ठीक है आंसर इसका पाइथन है ठीक ओके ये फुल क्वेश्चन कौन सा वेब ब्राउजर डेवलप किया गया था 1993 में जिससे वर्ल्ड वाइड वेब को सपोर्ट किया जा सके देखो अभी अब तो हम लोग रोज इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं अभी भी हम लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं वर्ल्ड वाइड वेब को चलाने के लिए कौन सा वेब ब्राउजर इस्तेमाल बनाया गया था वेब ब्राउजर क्या होते हैं मैंने बताया ना इंटरनेट एक्सप्लोर गूगल क्रोम मोजिला फायरफॉक्स ओपेरा सफारी ये सब वेब ब्राउजर्स हैं जिसमें वेब को ब्राउज करते हैं इंटरनेट को यूज करते हैं हम लोग तो सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब को चलाने के लिए किस ब्राउजर का इस्तेमाल किया बनाया गया था USA में सफारी इंटरनेट एक्सप्लोर मोसाइक आर्ची ज्यादा से ज्यादा नाम याद रखना है ना तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा जी बिग पिक्चर में सुशील जी ने पचास लाख जीते वेरी गुड आज भी बिग पिक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं टेलीग्राम ग्रुप के और यहां वहां के भी आए हैं अच्छी बात है मोसैक इसका आंसर मोसैक 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 ओके केबीसी प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट वन बुक आ गई है पीडीएफ फॉर्म में देख सकते हैं आप लोग उसमें पुराने क्वेश्चंस भी हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं इजी और हार्ड क्वेश्चन 500 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हैं ठीक है ओके उसके लिंक में डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में क्योंकि अगले सीजन की तैयारी करनी तो पता भी होना चाहिए पहले कैसे आते थे अभी कैसे आते हैं जी जी आज टीपीपी में तीन क्वेश्चन आए सही बोल रहे हैं फंस रहा है और जो नहीं आया है वो अगले सीजन में आएगा पक्का पता है वो अगले सीजन में इसलिए तैयारी करते रहो जो इस सीजन नहीं आ पाया क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे बहुत सारे अगले सीजन में आएंगे आंसर मोसायक ओके okay? आगे बढ़ते हैं प्रमोद सक्सेना ने 2004 में कौन सा पेमेंट सॉल्यूशन की स्थापना की थी, थीडर्सो टू थाउंडूगलिक फ्रीचार्ज उसका कौन कौन फाउंडर हो आप लोग को पता होना चाहिए ऑप्शन है पेटीएम मोबीक्विक फोन पे ऑक्सीजन वॉलेट बात कर रहे हैं प्रमोद सक्सेना पेटीएम मोबीक्विक फोन पे ऑक्सीजन वॉलेट प्रमोद सक्सेना ओ टीपी नहीं आ रहा लॉग में ओके okay. अन करके इंस्टॉल कर लीजिए रंजन जी कोई प्रॉब्लम नहीं है आ जाएगा ओ टीपी ऐसा होता है कभी कभी <coughs> हो जाता है टेक्निकल इशू ऑक्सीजन सर्विसेज ऑक्सीजन बिल्कुल सही ऑक्सीजन प्रमोद सक्सेना ऑक्सीजन ठीक है ऑक्सीजन वॉलेट ओके आगे बढ़ते हैं इस कंपनी ने एक सर्विस बनाया था नाव ठीक है किस कंपनी की बात कर रहे हैं नाव नाम का एक इन्होंने एक सर्विस बनाया है एनवीडिया निविडिया इंटेल एम डी एच पी कौन सी कंपनी ने नाओ नाम का बनाया है एक सर्विस आस थोड़ा सा कंप्यूटर भी ज़्यादा हो रहा है बट ठीक है काम आएगा कई लोग का कंप्यूटर भी दिक्कत रहता है मुझे कई लोगों ने बोलता सर कंप्यूटर सेक्शन भी करा दिया करो हमको पता ही नहीं रहता क्या किसको क्या बोलते हैं ओके इंटेल 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 आ रहा है लोगों के आंसर इंटेल आ रहे हैं इसका आंसर आएगा एनवीडिया 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 कंपनी जो है बहुत बड़ी कंपनी है जो गेमिंग सर्विस प्रोवाइड करती है जो दुनिया भर के गेम खेलते हैं ना सब बच्चे लोग को जिनको आदत लगी लग तो उसके लिए जो सिस्टम है या क्या बोलते हो रिलेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी है वो एनवीडिया कंपनी प्रोवाइड करती है एनवीडिया का लोगो देखोगे एक आंख का लोगो दिखता है आंख है उसमें जैसे बिग बॉस टाइप का ओके एनवीडिया इसका आंसर कंप्यूटर टॉपिक में जीरो इसलिए तो ये टॉपिक करा रहा हूँ मैं ताकि आप लोग को पता रहे थोड़ा बहुत तो भी सब टॉपिक में पहले जीरो, ही थे। अभी भी जीरो से वन या टू में आ गए हैं लेकिन करना पड़ता है ठीक है कठिन लग रहा होगा लेकिन ये कठिन आगे काम आएगा इसीलिए करा रहा हूँ एनवीडिया इसका आंसर गेमिंग से रिलेटेड जितना भी एनवीडिया कंपनी बहुत उसमें रिसर्च करती है आप लोग देखिएगा ओके पहली कौन सी गूगल प्ले स्टोर में एक बिलियन डाउनलोड करने वाले ऐप बना डाउनलोड किस को किया गया था एक बिलियन डाउनलोड यानी एक अरब डाउनलोड किस एप को किया गया था देखिए जहां जिसको जो दिक्कत हो रही है मैं वही करा रहा हूँ जैसे लोग बोलते हैं लाइव इंटरव्यू लो मैंने सबका लाइव इंटरव्यू ले दिया बिग पिक्चर में कैसे जाएं केबीसी में कैसे केबीसी मराठी में कैसे केबीसी किड्स के भी ले लेंगे कुछ दिन में एक बिलियन डाउनलोड क्रॉस करने वाला कौन सा पहला ऐप था स्पॉटिफाई आरोग्य सेतु फ्री फायर बापरे जी मेल ओके और देख लेते हैं आंसर ओके okay. फेसबुक इसका आंसर आएगा फेसबुक नितेश जी का सही है फेसबुक ऐप था ओके फेसबुक ऐप ओके ठीक है चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं मैं बता देता हूँ अगर वन बिलियन डाउनलोड की बात करें तो फेसबुक है व्हाट्सअप है गूगल मेल है जी है यूट्यूब है गूगल मैप है गूगल सर्च है फिर और फेसबुक मैसेंजर है ठीक है ये सब हैं याद रखेंगे ओके okay? चलो ठीक है याद रखेगा एक बिलियन डाउनलोड वाला फेसबुक ये तो हो गया था आपका इसमें पहचानो किनको पहचानोगे कि ये जो महिला खड़ी है लेफ्ट में पीछे इनको पहचानो और अगर आप लोग सुपर टैलेंटेड हो तो जो बैठे हैं और जो एक और खड़ी है राइट में महिला और बच्चे को पहचान सकते हो मेरा जो नॉलेज है वो तो इन तक ही सीमित है जो लेफ्ट में ऊपर में खड़ी है लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड स्क्रीन के लेफ्ट हैंड में चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कौन महिला है ये करंट अफेयर्स रिसेंट इन्होंने अपनी एक बुक भी निकाली चलो हिंट दे दिया मैं अब इससे ज्यादा क्या बोल अब आया निशा गोयल जी का आंसर सही आ गया इंदिरा नोई इंदिरा नोई इसका सही आंसर है ओके इंदिरा नोई बाकी लोग का भी आंसर आया नहीं अभी आ जाएगा लगता है इंद्राणवी इंद्राणवी ने एक बुक निकाली है तो देखिए करंट का मैं क्वेश्चन कनेक्ट कर दिया पुराने से है ना इंदिरा ने ने सी बुक निकाली अभी आपको पता होनी चाहिए माय लाइफ इन फुल ओके उन्होंने बुक निकाली है लाइफ इन फुल ठीक नमन जी का भी सही निशा गोयल जी का भी सही ये इंद्रानी है ध्यान से देखिए मैं इसको फिर से जूम कर देता हूँ इंदिरा नो है पहले के फोटो ठीक है ना ओके हम्म ये किस कोर्ट के बाहर की फोटो है आ, फोटो नहीं मतलब ये जैसा बना इसके पीछे भी कुछ कहानी है बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है ये दिखा देता हूँ जी ऑप्शन जहाँ देने रहते हैं मैं देता हूँ कई बार बिना ऑप्शन के भी करना पड़ता है मद्रास हाईकोर्ट ओके मद्रास हाईकोर्ट आ रहा है देखते हैं और बाकी लोग का ठीक है इसका आंसर मद्रास हाई कोर्ट है ठीक ओके जी बिल्कुल सही इसका आंसर है मद्रास कोर्ट एक बात बता दे तो मद्रास कोर्ट सेकंड ओल्डेस्ट कोर्ट है ना सबसे पहले कोलकाता हाई कोर्ट था ठीक है उसके बाद दूसरा नंबर आता है मद्रास हाई कोर्ट का ठीक इसके बाहर में जो स्टैच्यू है उसकी कहानी मैं आपको बता देता तो हूं मूर्ति किन की हाँ मूर्ति में बता रहा हूं आपको आप सुन लो मूर्ति किसका है मनुनिधि चोलन का अभी मनुनिधि चोलन कौन है इसी कहानी सुन लो आप ठीक है मनुनिधि चोलन कौन है इसी क्या कहानी है आप लोग सुन लो अच्छे से मनुनिधि चोलन एक राजा था ठीक है हाँ वो एक राजा था अभी ये देखो इस फोटो में अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना मैं इसको जूम करता हूँ ये एक बैल दिख रहा है गाड़ी के चक्के दिख रहे हैं और ये राजा खड़ा हुआ दिख रहा है इसी कहानी ये है कि जो राजा का लड़का था जो राजकुमार था वो कहीं जा रहा था अपनी जो घोड़े की घुड़सवार रहते हैं ना मतलब वो अपनी Uh, क्या बोलते हैं अपने रथ में जा रहा था तो उसके चक्को के नीचे इस गाय की बछड़ा आ जाता है ठीक है तो ये गाय का बछड़ा आ जाता है लेकिन कोई उसको कुछ बोलता नहीं वो खत्म हो जाता मर जाता मर है फिर उसको बहुत सारे लोग देखते भी हैं आसपास के लोग फिर एक गाय जाती है राजा के पास अब गाय तो बोल नहीं पाती रोने लगती बहुत रोती है बहुत परेशान रहती तो राजा पता करवाते कि क्या हुआ तो उस पता चलता है कि वो उसकी गाड़ी के नीचे उसके गाय का बच्चा आ गया तो उसने क्या किया तुरंत फिर से वो क्या करता है अपने बच्चे को यानी खुद के बेटे को जिसके द्वारा गलती हुई है है ना गलती हुई और उसने माना भी नहीं मानता भी नहीं कि मैंने किया है है करके उसकी गाड़ी के द्वारा हुआ अपने बेटे को उसी रथ के नीचे चलवा देता है ये वही वाली फोटो है यानी उसी रथ के नीचे या उसी गाड़ी के नीचे जहां जिसके द्वारा जिस गाड़ी के द्वारा उस बछड़े की हत्या हुई थी तो ये एक जस्टिस का वो था कि वो समा सबको समान जस्टिस सबको समान न्याय दिलाना चाहता था ठीक है ये इसकी कहानी है ठीक है याद रखेंगे मनु निधि चोलन ठीक ये मूर्ति का कुछ कहानी था वो मैं कहानी बता दिया मद्रास हाईकोर्ट का ये बेंच है वहां की ये फोटो है ठीक ओके चलो आगे बढ़ू आ गया ना समझ में कोई डाउट क्लियर ओके स्क्रीन साउंड क्लियर ना बीच बीच में लिख दिया को स्क्रीन साउंड क्लियर मेरे को पता चला कि आवाज ही नहीं जा रही वहां ठीक हम मार्च 2022 से संजय लांबा चलो फोटो में दिखा दिए ये व्यक्ति का नाम संजय लांबा वो किसके सीओ बनेंगे सीओ भारत के कौन कौन बड़ी बड़ी कंपनियों के बन रहे ना आप लोगों को थोड़ा पता रहना चाहिए इसलिए मैं फिर से यहां पर संजय संजीव लांबा किसके मार्च 2022 से सीओ बनेंगे ब्रैक्स एयर लिक्विड लिंडे और आइनोक्स आइनॉक्स के तो आप लोग मूवी थिएटर जाते होंगे ना आइनॉक्स का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है ना ठीक है ये जितनी भी कंपनीज है ये ऑक्सीजन और एयर इससे रिलेटेड है तो संजीव लांबा सीओ बनेंगे उसका आंसर है एल आई एन डी ई लिंटे ओके नाइस फैक्ट अच्छा लगा बहुत अच्छी बात है चलो ठीक ओके लिंटे ओके रजनीकांत देवीदासफ पीए में पूछ सकते थे कौन व्यक्ति है इसमें डायरेक्ट ले रजनीकांत देवीदास श्रॉफ को पद्म मिला वो किस कंपनी से जुड़े हुए थे चार ऑप्शन है ये दीपक नाइट्राइट एशियन पेंट्स यूनाइटेड फॉस्फरस पीडीलाइट इंडस्ट्रीज चलिए जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिए ऐसे कम लोग जुड़ते हैं तो लगता है कि लगता है कि लाइव ही ना आए क्या? पिछले वाले का आंसर लिंडे है बिल्कुल सही। एलआईएनडी इस सुइट सोनू ने सही आंसर दिया है। संदेशा जी का भी सही है। ये फोटो कर देता हूं मैं। रजनीकांत देवीदास श्रोफ, दीपक नाइट्रेट एशियन पेंट्स यूनाइटेड फास्फस पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड इसका आंसर आएगा यूपीएल मैं तो सब जगह ग्रुप में लिंक डाल देता हूं यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड अब अब एडजस्ट तो करना पड़ेगा जी ये उसमें लिखा है पद्म भूषण मिला था हमको देखिए क्वेश्चन है मैंने पहले ऊपर में लिख दिया दे, देखो, देखो, देखो 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 पद्म भूषण मिला था यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड ठीक है यूपीएल आगे बढ़ता हूं ठीक ये देखो इसमें तीन क्वेश्चन कवर हुआ साइमन दुनिया का पहला स्मार्टफोन था किसके द्वारा डिजाइन किया गया था बेल साउथ और अदर कंपनी 1992 <coughs> पहली बात तो बात करें कि मोबाइल की तो वो कौन सी कंपनी आती जो बनाए, है जो मोबाइल बनाई वो मोटरोला कंपनी है ना तो वो कूपर है उसका नाम है मार्टिन कूपर जो भी है वो हो गया लेकिन अब बात करें स्मार्टफोन की तो स्मार्टफोन बनाया किसने बेल साउथ ने बनाया ठीक है साइमन नाम का पहला स्मार्टफोन था बेल साउथ ने बनाया और किस कंपनी के साथ मिलकर बनाया था ब्लैक बेरी नोकिया आई बी एम मोट्रोला ब्लैक बेरी पहला स्मार्टफोन का नाम है साइमन चार क्वेश्चन इसमें कवर हो जा रहे हैं आपके ठीक है तो आपको ये सब चीज एक साथ में कवर कर दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं फंसेगा अगले सीजन में आएगा फिर आप लोग बताओगे अरे उस समय पढ़ाए थे पढ़ाया था अपाया था वेरी गुड तो आप लोग को मोबाइल के बारे में तो पता है स्मार्टफोन भी किसने बनाया था वो भी पता होना चाहिए ठीक है पहला मोबाइल मोटरोला का था और चलो इसका आंसर है आईबीएम ओके और आई किसके साथ मिलकर बनाया था वो भी मैं बता देता हूँ मिट शुभूसी इलेक्ट्रिक के साथ इसके दो आंसर आ सकते हैं मैं पहले ही बताता हूँ कंफ्यूज नहीं होना साइमन नैम का जो स्मार्टफोन है उसको आई ने बनाया था किसके साथ मिलकर मिट शुभूसी इलेक्ट्रिक के साथ और बेल साउथ किसका नाम है वो व्यक्ति का नाम है ठीक आई बी ताज जी का सही है नमन जी का सही है स्वीट सोनू का भी सही है जी ओनली बिजनेसमैन थे इस साल के पद्म भूषण पाने वाले हाँ बिल्कुल सही रजनीकांत श्रॉफ वही दिक्कत है ना जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तब ज्वाइन करेंगे तो क्या मतलब अभी मेहनत करने का टाइम है अगर अभी नहीं किए तो क्या फायदा उस समय तो सभी करते हैं ज्वाइन समझदार व्यक्ति है जो पहले से प्लानिंग करता है अगले सीजन की ठीक है किस नॉन मेटलिक एलिमेंट का नामकरण किया था थॉमस थॉमसन ने जिस जो एक हार्ड ग्रे रॉक से मिलता है यानी कड़क पत्थर से मिलता है फ्लिंट नाम के एक पत्थर से मिलता है वो मिनरल या नॉन मेटेलिक एलिमेंट उसका नामकरण किया गया था अठारह में थॉमस थॉमसन द्वारा किसकी बात की जा रही है किस एलिमेंट नॉन मेटेलिक एलिमेंट सिलिकॉन हाइड्रोजन आर्गन फ्लोरिन ये नामकरण संस्कार वाले भी बड़े ना खतरनाक क्वेश्चन रहते पता होने चाहिए किसने क्या वो किया है कैसा किया है ठीक है ये केमिस्ट्री का रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना और ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है आप आपको ये पक्का पचास लाख एक करोड़ पूछ सकता है देख लीजिए अठारह सौ सत्रह थॉमस थॉम्सन फ्लिंट हार्ड ग्रे रॉक समझ रहे हैं चार पांच हो गए ब्रिटिश केमिस्ट कौन से देश का था ब्रिटिश सिलिकॉन हाइड्रोजन आर्गन फ्लोरिन तो इसका आंसर आएगा सिलिकॉन बिल्कुल सही सिलिकॉन जी रजनीकांत श्रॉफ वाला क्वेश्चन में करा चुका हूँ टेलीग्राम में और सही बात है सतेन जी लॉग आउट हो गए उनका नेट खत्म हो गया चलो कोई बात नहीं <coughs> सिलिकॉन, ओके ठीक ताज जी का भी सही सिलिकॉन, बाकी लोग भी लॉग आउट हो रहे हैं लगता है अपने को भी लॉग आउट होना पड़ेगा चलो ठीक है तो अपन भी लॉग आउट कर देते हैं बाकी चीजें हम लोग कल कर डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का और सेक्शन है वो कल हम लोग वो करेंगे उस पर बात करेंगे कुछ कुछ मैं यहाँ वहाँ से इमेज निकाला था ठीक है तो अभी सब लॉग आउट हो रहे हैं तो निकलना चाहिए अपने को भी लॉग आउट होना चाहिए ग्यारह दस हो रहा है ओके कल हम लोग और करंट अफेयर्स करेंगे आप लोग टाइम बता दीजिएगा जब ठीक लगे तो देखता हूँ उस समय ज्वाइन करेंगे तो उस समय हो जाएगा ओके तो अपन अब कर देते हैं सो खत्म थैंक यू गुड नाइट करंट अफेयर्स से कॉल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इतने जल्दी हाँ नमन जी बाकी लोग लॉग आउट हो रहे तो अपन भी ज्यादा वेट नहीं करते फिर डेमोक्रेसी है बहुमत के साथ चलना पड़ता है <laughs> कोई दिक्कत नहीं कल कर लेंगे सवा दस टाइम ठीक है टाइम जी कविता जी देखते हैं कल का टाइम प्लीज कल संडे कल तो कोई भी टाइम आ सकते हैं बारह बजे के बाद व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर डाल दीजिए कितने बजे लाइव आना है जी थैंक यू गुड नाइट सब लोग ज्वाइन किए सबको शेयर कर दीजिएगा बाकी ग्रुप में ठीक है तो हम लोग बाकी डिस्कस भी करते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ठीक है थैंक यू गुड नाइट कल बारह बजे के बाद जी रेस्ट भी जरूरी है गुड नाइट गुड नाइट टेक केयर रात्रि शुभ बखैर